मलिक साहब ये कह रहे हैं कि इसने अंदर आते किसी को नहीं देखा। कोई बाहर से आया नहीं तो फिर कहां मर गई वो? क्योंकि जितना मैं जानता हूं कि उसकी हिम्मत और जुर्रत नहीं कि हवेली से एक कदम भी बाहर निकाल सके। किसी ना किसी की शह पर तो ये सब कुछ हुआ होगा। मैंने बताया तो है, मैं गेट पर मौजूद था, कोई नहीं आया था मलिक साहब। मुझे इनकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। अलबक्श, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, अपने बंदे चारों तरफ लगा दो। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ। जी बेहतर मलिक साहब। वैसे बड़ी हैरत की बात है सईद बेटा, कहां बेटी बेटी कहते तुम्हारा मुंह नहीं थकता और कहां तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहां है और किस हाल में। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मलिक साहब। मैं तो सिर्फ आपका लिहाज कर रही हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि आप भी तो कितने परेशान हैं ना। दुआ करो सईदा बेगम इस परेशानी का सिरा कहीं तुमसे ना जान ले, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।